हर आदमी तो YouTube पर काम करना चाहता है, YouTube पर अपना एक मेहनत करना चाहता है और YouTube से कुछ पाने के लिए YouTube से जुड़ जाता है और सोशल मीडिया पर अपना एक नए इमेज को या नए टैलेंट को दिखाने के लिए लग पड़ता है। लेकिन आज मैं यूट्यूबर के लिए नहीं सिर्फ YouTube को कहूंगा कि YouTube भी एक ऐसा अजीब सा चीज है यार। हाँ यार, YouTube एक अजीब सा चीज है। हम कितने भी मेहनत करके वीडियो क्यों ना बनाएं, लेकिन वो उस मेहनत करने वाले को ऊपर देखता ही नहीं है, जो कि बिना मेहनत करते हुए, बिना मेहनत से जो भी कुछ वीडियो इधर उधर का वीडियो डाल देता है ना, उसी वीडियो को वो कर देता वायरल। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो इंसान नहीं है। सच में यार, अगर YouTube इंसान होता तो जरूर उसे पता चलता कि कौन कितना और कब से मेहनत कर रहा है, क्योंकि वो एक वेबसाइट है, इसीलिए उसे कुछ मालूम नहीं है। वो उसमें जो कुछ लिखा होता है, जो कुछ सेट किया होता है, वो उसी को ही फॉलो करता है। जिसको ज्यादा व्यूज हो गया, अगर सोचो 1 घंटे में 100 व्यूज हो गया, वो उसी 100 व्यूज को देखकर वो 500 लोगों को पास वो भेज देगा। जब 500 लोगों में और 200 लोग देखेंगे तो वो वीडियो को फिर वो 2000 तक भेज देंगे। ऐसे होकर लाखों लाखों से वो करोड़ों तक वो वीडियो को भेजने लग जाते हैं, ताकि उस वीडियो में कुछ है ही नहीं होता, कुछ भी नहीं होता उस वीडियो में, कुछ भी नहीं रहता, फिर भी उसी टाइप का वीडियो YouTube आगे ले जाता है। ये YouTube का एक बड़ा गलती, क्योंकि YouTube को देखना चाहिए कि कौन कैसे और कितना मेहनत करता है, क्योंकि मेहनत से लेकर YouTube को भी वो वीडियो को आगे लेना चाहिए। लेकिन YouTube ऐसा नहीं करता है। वो क्यों? जो मेहनत करते हैं, जो अपना डेली मेहनत करके, डेली कोशिश करके, डेली ट्राई करते करते वो आकर पहुंचता है और अपना जो टैलेंट है वो फेस कैमरे पर दिखाता है, तो उसे क्यों YouTube इनकरेज नहीं करता है? वो क्यों जो आलतू फालतू जो वीडियो है, उसी आलतू फालतू वीडियो को वायरल कर देता है? अगर ऐसे, अगर हर टैलेंटेड आदमी, हर यूट्यूबर जो प्रोफेशनल यूट्यूबर होगा, वो भी क्या ये देखकर वो भी अपने आलतू फालतू काम चालू कर देंगे? क्या ये सही है? ये सही नहीं है। और एक बात कहूंगा मैं सिर्फ यूट्यूब को, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा जो बिना समझदारी के काम करता है। क्योंकि देखो यार, एक यूट्यूबर के लिए एक एक सब्सक्राइबर कितना इम्पोर्टेंट है, एक यूट्यूबर को ही मालूम है। एक यूट्यूबर ही जानता है कि एक सब्सक्राइबर उनके लिए कितना बड़ा होता है, कितना इम्पोर्टेंट होता है, एक यूट्यूबर को ही मालूम है। लेकिन ये यूट्यूब को नहीं मालूम होता है। यूट्यूब कभी ये नहीं सोचता है कि हाँ भाई, एक सब्सक्राइबर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो कभी ऐसा करता ही नहीं है। अरे 1 लाख क्या यार, 10-10 लाखों का जो सब्सक्राइबर है उनका भी, अरे हम जब एक एक करके, एक एक पहिया करके, जब हम जुड़ जुड़ कर, सभी यूट्यूबर कभी ना कभी जीरो से थे, जीरो से एक, एक से पांच, पांच से दस, दस से सौ, सौ से हजार, हजार से लाखों तक वो मेहनत करके आगे जाता है, मेहनत करके कमाता है सब्सक्राइबर को। जैसे कभी कभी लोग गांव गांव, घर घर घूमकर कई लोगों के पास रिक्वेस्ट करके एक एक सब्सक्राइबर की भी लाता है। लेकिन जब YouTube को, जो अपने जो चैनल को टर्मिनेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए उसे 1 सेकंड भी नहीं लगता है। देखा, उसे कुछ गड़बड़ आ गया, उसे कुछ ऐसा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लगा तो कर दिया टर्मिनेट, डिलीट, हटाओ। ये क्या? अरे 1 लाख सब्सक्राइबर का कीमत कितना है? 10 लाख सब्सक्राइबर का कीमत कितना है? ये यूट्यूबर को पता होना चाहिए। जब वो भी हमारे जैसे मेहनत करेंगे ना, उनको मालूम पड़ेगा कि एक सब्सक्राइबर का कीमत कितना होता है। लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। अरे इतना मेहनत करके सालों भर, कहीं कई लोगों तो 5-5 साल तक भी काम किया है, लेकिन उनका चैनल को YouTube
तुरंत एक चुटकी में टर्मिनेट, डिलीट और अपना वेबसाइट से हटा देता है हमेशा हमेशा के लिए। कई लोग, बहुत सारे ऐसे जो यूट्यूबर है ना, जो लाखों सब्सक्राइबर के यूट्यूबर है, वो बहुत पछताया है। कई कई लोग अपना फ्यूचर को ही खो दिया है। अरे यूट्यूब एक नशा है यार, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जो यूट्यूब पर पैर रख दिया ना, वो कभी पीछे नहीं हटता है। जो इतना मेहनत और वो जो भी काम करते है ना, सारे काम पर उसका जो मन है ना, उस व्यूअर्स के ऊपर, उस सब्सक्राइबर के ऊपर, उस कमेंट करने वाले के ऊपर, उस लाइक करने वाले के ऊपर नहीं रहता है कि आज मेरा कितना सब्सक्राइबर हो जाएगा, और कितने लाइक मिले होगा, और आज कितने कमेंट मुझे मिले होगा, जाकर देखूंगा, कब जाऊंगा, कब अपना काम छोड़कर जाऊंगा और मोबाइल ऑन करूंगा तो मेरा सब्सक्राइबर को मैं चेकिंग करूंगा, मेरा लाइक, कमेंट, व्यूज, शेयर, ये सबको मैं चेकिंग करूंगा। उनके मन में एक दिन पूरा दिन भर यही चिंता रहता है, यही सोच रहता है। लेकिन यूट्यूब एक चुटकी में ऐसी मेहनत करके आगे जाने का चैनल को भी वो टर्मिनेट कर देता है। ये बड़े दुख की बात है। तो ये वीडियो अगर आपको सही लगा है तो प्लीज जरूर लाइक मत कीजिए, कमेंट मत कीजिए, सब्सक्राइब भी मत कीजिए, लेकिन शेयर जरूर कीजिए, ताकि सबको ये मालूम, ये पता होना चाहिए। और जो मेरे से सीनियर यूट्यूबर है, तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके ऊपर एक केस दर्ज कीजिए, इसके ऊपर एक वजह, आप एक क्वेश्चन मार्क रखिए यूट्यूब के पास और कहिए कि इसका सही रीजन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। मिलते हैं अगली एक नए टॉपिक।